So, hey, assalamualaikum, I'm Mehnz Army. Welcome back another video. Today we are gonna make this awesome looking loop animation from Tunnel loop animation in Blender. So without wasting further time, let's get started. So simply मैं अपना new project create करूँगा. Control N दबाता हूँ. New project create कर लेता हूँ. Okay. ये दबाऊँगा. X बार के delete करूँगा. अब जाऊँगा अपने लिए एक कैमरा ऐड करूँगा. ठीक है. उसके बाद कर्व में जाऊंगा. कर्व में जाने के बाद एक सर्कल ऐड कर दूंगा. सर्कल को एस एन एट दबा के स्केल 8 साइज कर दूंगा. ओके. अब दोबारा कैमरे को सेलेक्ट करना. उसके कॉन्स्टेंट पाथ में जाना. ऐड कॉन्स्टेंट एंड फॉलो पाथ. ओके. तो अभी इसको बेजियर कर्व, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ कैम पाथ. ओके. ठीक है. तो सिंपली अब दोबारा से अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा. अब देख सकते हो ये ऑफसेट है. इसको मैं अगर मूव करूँगा, देखो कैसे मतलब रोटेट कर रहा है. ओके. तो सिंपली यहाँ पे लिखा होगा फॉलो कर्व, उसको दबा देना. सिंपली जाऊँगा 0 0 करूँगा. यहाँ पे जाना 0 0 कर देना सारा चीज़ों का. ऑलराइट. एंड नाउ लेट अस सी. एंड इसको फोकल लेंथ को 25 कर देना. कॉन्स्टेंट में जाऊंगा. अब जाता हूँ और देखता हूँ ऑफसेट में क्या हो रहा है. राइट. सो ठीक है. मैं दोबारा सीधे जाऊंगा. अब मैं सिंपल से ही एक छोटी सी टेक्निक यूज़ करूँगा जिसको कहते हैं ज्योमेट्री. इसमें छोटा सा डेप्थ इसकी इंक्रीज करूँगा ताकि मैं कैमरे को अलाइन कर सकूँ. देखो कैमरे को अलाइन करने के लिए मैं छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ. इसको ज्योमेट्री कहते हैं. वो टनल आनी चाहिए. ठीक है. लाइक इसको वापस 0 कर दूंगा मैं. सॉरी इसको ना अपने टनल को. राइट. थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे. अब की फ्रेम मैंने 240 यूज़ किया. आप जितनी मर्जी कर सकते हो. की फ्रेम नंबर 0 पे जाना. याद रखना 1 पे नहीं. जिस भी की फ्रेम से स्टार्ट करोगे ना उसे एक ही फ्रेम पहले चले जाना. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर सेलेक्ट आवर कैमरा. यहाँ पे जाएंगे. यहाँ पे कॉन्स्टेंट एंड ऑफसेट. ऑफसेट में जाने के बाद ऑफसेट की फ्रेम लगा देंगे. अब मैं आखिर में जाऊँगा. आप जितने चाहते हो ना इसके मतलब रोटेशन करें. एक रोटेशन ऑफसेट का 100 मतलब होता है. ठीक है. एक 100 करूँगा ना तो एक ऑफसेट होगा. ठीक है. तो इसको जैसे मैं की फ्रेम लगा दूँ और आपको दिखा दूँ ये मूव भी कर रहा है. ओके. और जो दो ऑफसेट हैं उनको अगर आपने करना हो तो यहाँ पे जाके 200 कर देना. ओके. सो अब मैं सिंपल से जाऊँगा अपने कर्व को एडिट करेंगे. कर्व को सिलेक्ट करना. कर्व को ठीक है. सिंपली मैं इसको डाउन कर देता हूँ. ओके. इस पर टैब दबाओगे तो एडिट मोड में आओगे. अब मैं ये दो वर्टिसेस इसके सेलेक्ट करूँगा. सेगमेंट्स इसको थोड़ा अप ले जाऊँगा. इसको थोड़ा सा डाउन नहीं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर. ओके. इस तरह के रैंडम पोजीशन दे देना. अब देखोगे ना वेट एक मिनट. कैमरे को 180 डिग्री में रोटेट भी करना है. ओके. नाउ वी आर गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड. देखोगे तो इस तरह का आपको व्यू नज़र आएगा. ये देखो मतलब हमारी एनिमेशन डन है. अब बस एक और एनिमेशन करनी है. वो होगी हमारी लाइट पार्ट के लिए. तो सिंपली जाएंगे लाइट को ऐड करेंगे. और लाइट को ऐड करने के बाद यहाँ पे जाएंगे लाइट के कॉन्स्टेंट पाथ में. देखो लाइट ऐड किया. कॉन्स्टेंट में जाएंगे और यहाँ पे जाऊँगा फॉलो पाथ कैम कंट्रोलर. ओके. इसके लिए अभी 0 पे जाऊंगा. लेकिन इसको थोड़ा सा ऑफसेट को 3 करना. ओके. 2 या 3. 2 पे की फ्रेम लगाएंगे. 2 ऑफसेट रख के अब वापस से मैं लास्ट फ्रेम पे जाऊंगा. इसमें प्लस 100 करना. ठीक है. 2 हमने इसलिए लगाया हम क्योंकि चाहते हैं कैमरा से आगे लाइट हो. ओके. लेकिन अगर हम कैमरे से पीछे रखेंगे तो लाइट फोकल लेंथ में नहीं आएगी. उसके अलावा इसका इतना मतलब जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे अपने ब्लेंडर के अंदर तो उस पर भी इम्पेक्ट नहीं करेगी.
सिंपली अब जाएंगे, ये इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, इनकी एक बेसिक बना लेते हैं, न्यू कलेक्शन बेसिक्स। ओके अब मैं दोबारा जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको उठा के इधर ले लेता हूँ, इसको रीनेम कर देंगे टनल। अब टनल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाऊँगा डाटा में, डेप्थ में जाऊँगा, फिर इनको इंक्रीज करूँगा, इसको इंक्रीज करना है 0.15। रेजोल्यूशन आप 12 दे देना, आपकी मर्जी है, अगर आपका पीसी नॉर्मल से है मतलब इतना अच्छा नहीं है तो 8 भी दे देना, लेकिन जो सीन है हम बनाने जा रहे हैं ईवी में, सो ये लाइट होगा आपके कंप्यूटर के ऊपर, और अगर आपका पीसी ज़्यादा ही लो एंड है तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी वीडियो रेंडर कर देगा। ओके सो सिंपली जाएंगे आप कर्व के अंदर, यहाँ पे जाएंगे कन्वर्ट टू मैश। अब हम इस पे जा रहे हैं मॉडिफायर डालें, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पे एक मॉडिफायर डालूंगा जिसका नाम है डिस्प्लेस मॉडिफायर। ओके एंड यहाँ पे लिखा होगा शो टेक्सचर, पहले न्यू फिर शो टेक्सचर। अब यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे क्लाउड टू, या जितने आप हो सके 12 की डेप्थ डाल देना। ओके और दोबारा से जाना, यहाँ पे लिखना 0.1। जस्ट 0.1। ओके थोड़ी सी रैंडमनेस ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं, हमने थोड़ी सी रैंडमनेस ऐड करनी है। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे डेसीमेट मॉडिफायर, थोड़ी देर के लिए मुझे डिस्प्ले ऑफ कर देता हूँ। अब डेसीमेट में जाएंगे, क्या होगा, वो अनसर्व डिवीजन करेगा हमारी, इस तरह को कोलिजन बनाएगा, इसको राइट क्लिक करना, शेड फ्लैट कर देना। अब देख सकते हो आप डेसीमेट करके रहा है, ठीक है, 1 पे हमारा इस तरह स्मूथ था, लेकिन जैसे ऐसा ऐसा लाएंगे हमारे वर्टिसेस ज्वाइन ज्वाइन ऑफसेट्स में जाते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे। इसको शिफ्ट दबा के मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखो। ओके अब मैं इस पे ये भी अप्लाई कर दूंगा और इसको देखूंगा कहीं पे ये अटक तो नहीं रहा, एक दफ़ा एनिमेशन देखेंगे, और आपको यहाँ पे एंड एंड क्रीप फ्रेम से देखना कि आपको सीमलेस लूप नज़र आएगा, देखो सीमलेस लूप नज़र आ रहा है। ओके हो गया, अब सिंपल से हम एक काम करेंगे, एक और मॉडिफायर डालेंगे जिसका नाम है वाई फ्रेम मॉडिफायर। ओके इसका यहाँ पे लिखा होगा रिप्लेस ओरिजिनल, इसको टर्न ऑफ कर देना, देन गो बैक टू योर कैमरा व्यू, 0 दबाओगे नंपैड 0 तो आप कैमरा व्यू में चले जाओगे। थिकनेस को थोड़ा सा कम करेंगे, ऑफसेट को अंदर ले आएंगे, कुछ भी आप वैल्यू कर सकते हैं अपनी तरफ से, आप उसके साथ प्ले करें थोड़ा सा और आपको पता लग जाएगा आपने क्या करना। नाउ आई एम गोना ऐड अप्लाई अ बेवल मॉडिफायर, ठीक है, बेवल मॉडिफायर 3 रखना, बेवल मॉडिफायर इतना इस पर फ़र्क तो नहीं करेगा ना, लेकिन एनिमेशन होती है जो हमारी वो अच्छी लगती है। अब सिंपली जाएंगे रेंडर में, यहाँ पे मैं कैविटी ऑन कर देता हूँ, अब आपको देखना बेवल। ओके बेवल का आपके मटेरियल पे असल में फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे नहीं पड़ेगा, 0.5 तक काफ़ी है। बस यस, आपके एजिस जो थे वो काफ़ी डल डल थे तो इसने इसको स्मूथ कर दिया, ये देख सकते हो, ये अब आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर मैं भराऊंगा ये भरते जाएंगे, थोड़े से एजिस आपके स्मूथ हो गए, रोटेसिस करेंगे तो नहीं हो सकते, एजिस में आपको जाना पड़ेगा। ओके सो बैक टू आवर सीन, अब जाएंगे हम ईवी के रेंडर इंजन में, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बिएंट ओक्लूजन, ब्लूम, स्क्रीन रेस, स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस एंड मोशन ब्लर, ये 3 चीज़ें अप्लाई कर देंगे। ओके अब हम कर सकते हैं कंट्रोल एस दबा के अपना फाइल सेव कर लेना। ओके जैसे मैं इसको इसकी फाइल के ऊपर सेव कर देता हूँ। ऑलराइट सो अब हम जाएंगे मटेरियल बनाने, ठीक है, तो मटेरियल अगर किसी को समझना है आगे जो मैं करने लगा हूँ तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं और इसी तरह बना सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं जो जाऊँगा अपनी शेडिंग वाले में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैमरा सेलेक्ट करूँगा,
और यहाँ पे व्यू पोर्ट में जाऊँगा, इसको पासिस को वन कर दूँगा ताकि मुझे सिर्फ अपना रेंडर व्यू नज़र आए और कोई फजूल चीज़ नज़र ना आए। राइट, सो अब मैं दिखाऊंगा आपको शेडर मैंने इसके कैसे बनाया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रख लूँगा न्यू मटेरियल डिस्कोटी, मैं इसलिए नेम करता हूँ मेरे लिए आसानी हो जाती है। अब सिंपली जाएंगे हम, एक कलर रैम्प डालेंगे, एक मैं कलर रैम्प इधर छोड़ रहा हूँ, इसको शिफ्ट डी दबा के एक इधर ले आऊँगा क्योंकि एक हमें उधर अभी चाहिए होगा, तो उसको अभी इग्नोर मारो। ठीक है, इसका कलर ना ग्रेश ग्रेश रखना है, इस तरह कुछ इतना रखना है। इसको 0.05 रख सकते हो, 0.05। ओके, एंड मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ, 0.05। ठीक है, तो इसके बाद इसकी वैल्यू को अल्फा को 1 रखना और जो वैल्यू है 0.05 रख देना, सेचुरेशन ह्यू को दोनों को 0 रखना। ओके, अब अपना जो कलर रैम्प है इसका कलर हम डालेंगे रफनेस में, मेटेलिकनेस को 1। ओके, और जो आउटर वर्ल्ड में जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे भी इसको डाउन कर देना ताकि हमें अपना पूरा व्यू नज़र आए, असल में हम करना क्या जा रहे हैं। अब मैं लाइट्स में जाऊँगा, लाइट में जाने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा 150। और राइट, अगेन टू टनल, मैं अभी तेरे टेक्सचर डालूंगा नॉइस। ठीक है, इसके फैक्टर से कनेक्ट कर देंगे, रब आपको देखने मिलेगा। असल में हो क्या रहा है, थोड़ा सा कलर मैं अप कर देता हूँ ताकि अभी ये नज़र आ जाए क्या होने जा रहा है। अगर मैं इसकी मेटेलिकनेस नीचे करूँ तो आपको शायद नज़र आ रहा हो, मैं करके रहा हूँ। थोड़ी सी मेटेलिकनेस इसकी इंक्रीज कर, मेटेलिकनेस 1। यस, नाउ यू कैन सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड बम्प मॉडिफायर, बम्प नोड, उसको नॉर्मल नॉर्मल से सिलेक्ट करना एंड फैक्टर को हाइट पे। ओके, अब इसका पॉइंट 0.12, 0.12, तो इस तरह आपके पास अच्छी खासी तैयार हो जाएगा। अब इसमें डिस्टोर्शन में जाना, इसकी इधर लिख देना 0.2, तो जिससे रैंडमनेस आ जाएगी इसमें। आप जितने मर्जी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से 0.2 ही काफ़ी है। ऑलराइट, कंट्रोल एस दबा के अपना प्रोजेक्ट सेव कर लेना। अब हम ऊपर आएंगे, असल में ऊपर क्या करने जा रहे हैं, तो मैं अपना ए इनपुट को ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे डालूंगा एक और नोड मिक्स शेडर। अब जो हमारा बेसिक्स है, मतलब जो हमारा बेसिक मटेरियल है वो रेडी हो चुका है, लेकिन जो हमारे बीच में इमिशन शेडर आ रहा था, इमिशन लाइन इमिशन डॉट्स आ रहे थे, तो अब वो ऐड करेंगे। तो सिंपली मैं कलर को पहले इधर फैक्टर में ऐड करूँगा, अब इधर डालूँगा इमिशन, इमिशन डालेंगे। ऑलराइट, इमिशन को सिंपली यहाँ शेडो टू शेडो कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, शिफ्ट ए दबाना और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, शिफ्ट ए, यहाँ से आप कोई भी नोड उठा सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे जाओ सर्च कर लो आप जो भी नोड होगा आपका, यहाँ पे मैं इसको 12 करूँगा, यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे मिक्स, रिजल्ट को मैं फैक्टोरियल में डालूंगा। अब यहाँ पे दो टेक्सचर ऐड करेंगे, एक तो वोनाई टेक्सचर एंड सेकंड इज मुस्क्रेव। मुस्क्रेव टेक्सचर अगर आप ब्लेंडर 3.5 से पहले वाले इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में, तो यहाँ पे जाके एडवांस में जाके आप उसको ऐड कर सकते हो जैसे मोस ग्रे। राइट, इस तरह जाओगे तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन जो न्यू ब्लेंडर है उसके अंदर ऑलरेडी है। और राइट, सो वापस लेआउट में जाऊँगा। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, जस्ट एज सॉरी कलर इन टू फैक्टरी ए एंड हाइड इन टू बी।
मस्केट इन बी एंड वोनेट एक्शन इन ए राइट सो नाउ I'm going to convert it from Ekuriden to Minixovic. Minixovic में करने के बाद आप देख सकते हो इसमें कुछ डॉट्स आ गए. सो मैं आपको आगे थोड़ा सा प्ले करके दिखा दूँ. ये देख सकते हो जैसा कि एक टेक्सचर बेस्ड सोर्सेस आ गए. यहाँ पे जाओगे तो सिंपली आपको कंप्लीट नज़र आएगा. असल में हम करके रहे हैं. मैं इसको कुछ 0.525 पे रखूँगा स्केल का. इसकी लेट सी मैं 1 रखूँगा. मेंशन 0 डिटेल्स 12 एंड इसके स्केल्स को इंक्रीज कर देना. इसके डिक्रीज कर देना. इसको 0 पे लेना या 1 gonna use like muscle texture. Let me erase it and I'm gonna use like noise texture for it because it is actually good. Noise make me like आपका काम इजी भी कर देगी और मुझे थोड़ा सा रेंडर टाइम भी लेती है. 44 पे इसको कर दूंगा. इसका स्केल नॉट अ 444 जस्ट 44 एंड 0.5 पे ये कर दूंगा. इसका एक्सपोनेंट रैंडम को 1 भी रहने दे रहा. उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा ब्लैक में. इसकी वैल्यू मैं 0.625 कुछ समथिंग मैंने इस तरह दी थी इसको कुछ इस तरह की. ठीक है अब डिटेल्स में जाना. डिटेल्स की बढ़ा देते हैं. डिटेल में उसके बाद रफनेस भी थोड़ी बढ़ा देना. डिस्टोशन आपकी मर्जी है. अगर आप चाहो तो इसको 0.7 तक दे दें. 0.7 तक ओके. 12 अगर इसको करें तो या बस इतना ही था. अपना सीन रेडी है. और इसमें एक और चीज़ ऐड करना. लेट मी जस्ट चेंज द कलर टू रेड और समथिंग एल्स लाइक दैट. इसका कंपोजिटिंग में जाऊँगा. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विंडो किल कर दूँ. लेट मी गो टू माई विंडो व्यू. अब मैं इसके कंपोजिटिंग में जाऊँगा. यहाँ पे जाऊँगा. यहाँ पे लिख दूँगा कैमरा या ऑलवेज. ऑलवेज में जाऊँगा. अपने सीन को सिलेक्ट करूँगा. यहाँ पे लिखा होगा कंपोजिटर टैब में आ जाना. बस यहाँ पे लिखा होगा कंपोजिटर इसमें आ जाना. और यहाँ पे लिखना यूज नोड. सॉरी मैं गलती से ज्योमेट्री में आ गया हूँ तो इसकी कोई बात नहीं. कंपोजिटिंग में भी जा सकते हो आप इस तरह. ओके सो यूज नोड में आ जाना. यहाँ पे आना. इसको थोड़ा सा मैं साइड पर कर लेता हूँ. ठीक है ये थोड़े से लैगी होगा क्योंकि ये मैं व्यू पोर्ट के अंदर मतलब कंपोजिटिंग कर रहा हूँ आगे सेपरेटली नहीं कर रहा. राइट तो इसके अंदर हम डालेंगे एक नोट ग्लेयर जस्ट एडिट इट एंड चेंज इट टू गोस्ट सॉरी चेंज इट टू फॉग लाइट एंड जस्ट 6 और 5. यू कैन इवन गिव इट 12 फॉर मोर एक्सपेंशन बट मेरे मुताबिक इतना नहीं. यस कुछ इस तरह वैल्यू रख सकते हो. 0.4 थ्रेशोल्ड की एंड मिक्स की 0.6 -60 -0.6. ठीक है एंड साइज मैंने 9 रख दिया. हाई पे कर दो उसको. ऑलराइट नाउ यू आर डन विद योर एनिमेशन लाइक. सो दिस इज ओनली अ ट्यूटोरियल वीडियो. तो अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. And many of you people have watched my channel is not subscribed it. So please subscribe it and I will see you in my next video. Should you take care everybody and bye bye. Khuda Hafiz.